और और इस ये जो है मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो लेक्चर है सफिसियंट है ए को क्रैक करने के लिए दिस इज सफिसियंट अप टू जेई मेन लेवल दिस इज सफिसियंट फॉर नीट एंड अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम तो अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल आपको इसका फुल फायदा होने वाला है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप रेगुलरिटी बनाए रखना बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको 100 परसेंट समझ में आ जाएंगे हाँ अगर जैसे ही आप इरेगुलरटी इरेगुलर हो गए या फिर कंसंट्रेशन यहाँ से हटाओगे वैसे ही चीज़ें आपके लिए थोड़ी ढीली हो जाएंगी और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हुआ चलूँगा कि भाई अभी जिस तरीके से मैं चलने वाला हूँ कि अगर आपको फिजिक्स नहीं आता है, तो पहले हम बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे और कम से कम टेन लेक्चर्स मैं दूंगा टेन लेक्चर्स दूंगा दस से तो कम हो ही नहीं सकता है उसके बाद से हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे उसके बाद से कैनमेटिक्स पढ़ेंगे उसके बाद से एनालम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पूरे सेक्शन का इसको हम सेक्शन ए बोलते हैं सेक्शन ए का हार्ड है और उसके बाद से हम हार्ट uh, uh, है और उसके बाद से वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है और तीसरा सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन जो कि लोगों को समझ में नहीं आता है तो मैं बोल देता हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो बहुत इजीली तो ठीक है अगर आप नहीं आ, करना चाहते हो सिर्फ फार्मूला सोच रहे हो तो भाई यही मेन वही मेन में तो आ, मतलब आ, सिर्फ उसी से काम नहीं चलेगा अगर आप आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो और आप सिर्फ पास होना चाहते हो लुल रैंक के साथ तो तो भाई फिर तो तुम कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद ग्रेविटेशन तो ये अपना सेक्शन वन और सेक्शन वन को अभी अपन का फोकस जो है सेक्शन वन पे है सेक्शन ए पर है और सेक्शन ए के बाद हम कुछ ट्वेल्थ के पोर्शन को करेंगे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जहां इलेक्ट्रो से स्टार्ट करूंगा और पूरा का पूरा एसी तक एसी तक चलूंगा और यही पार्ट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट होगा और ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल पार्ट होगा अगर आप बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या फिर आप बीटेक अगर किसी भी ब्रांच में करना चाहते हो तो भाई ये पार्ट जो होगा ना आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल पार्ट होगा तो मैं कहूंगा भाई पूरा दिल के साथ जी जान के साथ आप पढ़िएगा है ना अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आगे अभी के लिए तो काम आएगा ही आएगा और आपके इन फ्यूचर हमेशा काम आएगा चाहे आप गेट दीजिए या फिर अपने सेमेस्टर का एग्जाम दीजिए या फिर आप इंजीनियरिंग में जाके कुछ भी करिए दिस बेसिक विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू और आप में से मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बेसिक uh, फंडामेंटल पे ध्यान नहीं देते हैं फंडामेंटल बहुत वीक होता है तो देखो भाई घर की अगर नींव कमजोर हो ना तो बिल्डिंग बहुत ऊँची नहीं बन सकती है, है ना ये बात ध्यान रखिएगा ओके okay. और इस कोर्स में अगर कोई बच्चा ए एमयू क्लास अगर कोई बच्चा अपने बोर्ड्स में इलेवंथ में है उसे भी वो भी देख सकता है ई एम यू बी टेक वालों के लिए ही स्पेशली डिजाइन है नीट वालों के लिए बहुत यूजफुल है और जेई मेन के लिए भी ये लेक्चर सफिशियंट है या फिर अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे हो और आप अपना बेसिक फाउंडेशन फिजिक्स का स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ऑल दीज लेक्चर सफिशियंट फॉर यू तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को ठीक है यह हमारा चैप्टर जीरो है और हम यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इससे पहले मैंने तीन लेक्चर्स करा दिए हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गाइस दिस और संदीप भैया बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड आई हैव क्वालिफाइड गेट टू टाइम्स और बिसाइड बिसाइड इट मैं हर साल हज़ारों बच्चों का इंजीनियरिंग में एडमिशन कराता हूँ एंड बिसाइड ऑफ फिजिक्स एजुकेटर आई एम अ करियर काउंसलर ऑल्सो तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग ने लास्ट टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री देखा था और आई होप आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री पी वाई क्यू वीडियो ऐप पर ही मिलेगी ऑफ़ ई एम यू के चैप्टर वाइज पी वाई क्यू को हम ऐप पे डाल देंगे विथ वीडियो सोल्यूशन और आप हमारा जो चैनल है आप लोग जो लोग भी कोर्स में हैं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एस टी बी जी एकेडमी और दूसरा चैनल है सेट ट्राइम बाउंड गोल बोथ आर माई चैनल और दोनों बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा कंटेंट आपको ए का कंटेंट पढ़ना है तो यहाँ जाइए जेई का कंटेंट और काउंसलिंग का कंटेंट चाहिए तो यहाँ जाइए बोथ आर यूजफुल फॉर यू ठीक है चलिए तो चलिए आइए शुरू करते हैं तो अपन लोग डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे थे तो आइए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पे हम आ, थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएशन की बात कर ही लेते हैं तो देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है डिफरेंशिएशन आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और यहां से थोड़ा सा बेसिक कैलकुलस अपन पढ़ेंगे बेसिक कैलकुलस की स्टार्टिंग होगी एंड विजिबल गाइज सारे लोग बता दीजिए भाई जैनुल खान बोलो सारे आ गए बहुत बढ़िया मैं डेली हूं ओके okay. ठीक है तो देखो अपन लोग थोड़ा सा ना डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं अच्छा डिफरेंशिएशन पहले फ़ील करेंगे पढ़ेंगे बाद में ठीक है डिफरेंशिएशन क्या होता है अब चूंकि इस लेक्चर को एक बाय वाला भी बंदा देख सकता है तो अब चूंकि तुम लोगों ने मोस्ट प्रोबली तुम्हें से बहुत सारे लोग कैलकुलस पढ़ चुके होंगे बहुत सारे लोग कैलकुलस नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं अभी जो तुम्हें पढ़ाता हूँ उसको फील करो तुम्हें आता है तो भी भला नहीं आता है तो भी भला अगर आता है तो उस कॉन्सेप्ट को अभी साइड में रखो और अभी जो मैं कह रहा हूँ उसको फील करो अब समझना थोड़ा सा एक फंक्शन था या एक एक फंक्शन एक था एक्स इसकी इनिशियल जो वैल्यू थी मान लेते हैं चार है और कुछ देर बाद इसकी जो वैल्यू हो गई फाइनल वो हो गई आठ ठीक है तो इसमें चेंज कितना आया तो चेंज कैसे लिखेंगे तो चेंज के लिए लिखते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स कितना होगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अगर मुझे इसे लिखना हो तो क्या लिखूंगा आठ माइनस चार इज फोर हम राइट दिस इज डेल्टा एक्स दिस इज डेल्टा एक्स और इसमें चेंज क्या अभी जो चार है जो चेंज है क्या इन दोनों के इन दोनों से बहुत छोटा है क्या एक्स आई और एक्स एफ से इनिशियल वैल्यू से और फाइनल वैल्यू से बहुत छोटा है क्या इनसे अगर कंपेयर करें तो तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है इनके ही लगभग लगभग उसमें है अगर ऐसा ही होता अगर लेकिन अगर ऐसा होता एक्स इनिशियल बराबर 4 और एक्स फाइनल मतलब कुछ देर बाद जो वैल्यू हो गई वो हो गई फोर पॉइंट जीरो 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 वन तो इस केस में चेंज होगा कितना होगा डेल्टा एक्स जो होगा वो कितना होगा फोर पॉइंट 0... जीरो तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल जो चेंज की वैल्यू लिखेंगे यही तो लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल कितना है फोर पॉइंट जीरो जीरो वन माइनस फोर देट विल बी जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन अच्छा तुम ये देखो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है ये बहुत छोटा है इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू से यहां पर जो डेल्टा एक्स था बहुत छोटा नहीं था इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू से तो यहां है ना इसको अब हम नहीं बोलेंगे डी डी एक्स डेल्टा एक्स एक्स एक ही फैमिली के हैं बट डेल्टा एक्स हम कहां यूज कर रहे हैं जब क्या हो रहा हो गैप ज्यादा हो रहा हो और डीएक्स कहां यूज कर रहे हैं जब जो चेंज है बहुत मिनिमल हो रहा है बहुत कम हो रहा है तुम सोचो ना तुम्हारी हाइट पहले चार मीटर थी अब आठ मीटर हो गई कितने से बढ़ गए मीटर से बढ़ गए तो इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है लेकिन तुम्हारी हाइट पहले चार मीटर थी अब फोर पॉइंट बढ़ गई तो ये बहुत ज्यादा गैप है क्या नहीं ना थोड़ा सा ही तो बढ़े हो तो इसको हम डेल्टा एक्स लिखने के बजाय क्या लिखेंगे भाई साहब डीएक्स लिखेंगे पॉइंट 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 गाइस हाँ या ना बोलो ठीक है चलो तो dx और डेल्टा एक्स का तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया अब हम एक फंक्शन लेते हैं अब हम एक फंक्शन लेते हैं ठीक है मान लेते हैं y इज इकल टू एक्स स्क्वायर या कोई फंक्शन ले लो y इज इकल टू टू एक्स ले लो या वाई इजकल टू फोर एक्स ले लो एक फंक्शन है ना अब इस फंक्शन पे हम थोड़ा सा बात करते हैं जब x की इनिशियल वैल्यू कुछ थी जब x की इनिशियल वैल्यू टू थी तो y की इनिशियल वैल्यू क्या थी बोलो जब x की इनिशियल वैल्यू टू थी तो y की इनिशियल वैल्यू क्या होगी तो यहां पे दो रख दो दैट विल बी जब x की इनिशियल वैल्यू फोर थी तो y की initial, जब x की फाइनल वैल्यू कुछ देर बाद अगर एक्सर एक्स की वैल्यू फोर रखा जाए तो y की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी सोलह यही आएगी ना अगर मैं डे, डेल्टा एक्स यहाँ से, से निकालू अगर मैं यहाँ से डेल्टा एक्स निकालू तो डेल्टा यहां से चार तो अगर ठीक है तो इसको तुम क्या बोलोगे क्या बोलोगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स तो ये हो जाएगा एट बाई टू फोर तो ये जो डेल्टा वाई

एक्स लेकिन तुम सोचो अगर अब चूंकि डेल्टा एक्स की भी वैल्यू बड़ी थी ना देखो दो और चार के कंपैरिजन देखा जाए तो दो बहुत छोटा नहीं है डेल्टा वाई भी बहुत छोटा नहीं है है ना लेकिन अगर ऐसा होता डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स बहुत छोटा होता तो उसको क्या बोलते हैं

चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स अच्छा अगर यही मैं डी एक्स वाई डी वाई लिखता तो क्या बोलते हैं रेट ऑफ क्या बोलते हैं एक्स के एक्स में क्या चेंज हो रहा है रेट ऑफ चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई कितने लोगों को ही समझ में आ रहा है कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है अरे बोलो गाइस कौन कह रहा है बारह होगा हाँ बारह होगा सॉरी इट्स इट्स अ ट्वेल्व तो ट्वेल्व में से दो से भाग दे दो सॉरी इट्स माई मिस्टेक तो Sorry, so, एक कितने लोग को समझ में आ रहा है तो डीवाई बाई डी एक्स क्या है dy बाई डी एक्स क्या है dy बाई डी एक्स क्या है dy बाई डी एक्स क्या है डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग दैट इज रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स या हम इसको हम इसी को दूसरे भाषा में बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के सापेक्ष में वाई का अवकलन इसको हम क्या बोलते हैं या तो रेट ऐसे बोल दो रेट मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसको बोल दो रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स या क्या बोल दो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बात समझ में आ रहा है डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्चुअली किसी फंक्शन का है क्या किसी फंक्शन देखो अगर कोई फंक्शन अगर कोई फंक्शन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है मतलब इनपुट डालने पर आउटपुट की वैल्यू चेंज हो रही है तो अगर मुझे उसे डिफरेंशिएट करना है तो क्या है मतलब कि कितने मतलब कितने वैल्यू के अंतराल में वाई मतलब एक्स के कितने चेंज पर वाई का कितना चेंज हुआ इन्हीं दोनों का रेशियो ही तो डिफरेंशिएशन है सिंपल बात है है ना एक्स को अगर हम थोड़ा सा चेंज किए तो उससे वाई में कितना चेंज हुआ इन दोनों का डिफरें इन दोनों का रेशियो ही तो डिफरेंशिएशन है एम आर राइट और रॉन्ग अरे मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ तू ही बोल डिफरेंशिएशन क्या है कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है ना जो ये बता रहा है कि अगर हम एक्स को थोड़ा सा चेंज चेंज करेंगे तो y में कितना चेंज आएगा और अगर और इन दोनों का रेशियो लेंगे तो डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा एम राइट right अरे डिफरेंशिएशन कुछ है? और रॉकेट साइंस थोड़े ना है है कि नहीं अच्छा तो डिफरेंशिएशन एक्चुअली में बताता क्या है इसका यूज क्या है थोड़ा हम इसको समझें बेसिकली मैं तुम्हें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल मीनिंग समझाना चाहता हूं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे फिजिक्स में ज्यादातर यूज तो ग्राफिकल मीनिंग का ही होगा अच्छा आइए जरा, आइए जनाब थोड़ा आइए ठीक है जनाब आर यू रेडी दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस इससे तो परिचित हो गए होगे कि अभी तक परिचित नहीं हुए हो गए ना x एक्सिस और y एक्सिस ठीक है एक कोई भी फंक्शन लेते हैं ले लेते हैं y 4x ले लूं या फिर कोई भी फंक्शन ले लो y स्क्वायर जिसका भी तुम्हें ग्राफ आता हो उस फंक्शन के को ले लो y 4x किसका ग्राफ है भाई एक लाइन को दर्शा रहा है वो लाइन ऐसी होगी हां या ना देखो y mx c y इंटरसेप्ट 0 है y इंटरसेप्ट कितना है वाई इंटरसेप्ट जीरो है और लगे हाथ इसमें क्या चीज है वाई इंटरसेप्ट भी जीरो है और या इसका स्लोप चार है चूंकि स्लोप पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा ठीक तो चलो अब हम थोड़ा सा ना इसको समझते हैं यहाँ पे एक मैंने वैल्यू लिया एक्स इनिशियल एक्स इनिशियल की वैल्यू ले ले लेते हैं कुछ भी दो ले लेते ले 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 हैं तो इसके करस्पोंडिंग वाई की वैल्यू क्या होगी इसकी करस्पॉन्डिंग वाई यही होगा ना वाई यही यही तो होगा यही तो वाई होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी एक्स की वैल्यू यहाँ पे दो डालो तो वाई की वैल्यू क्या होगी यहां होगी एक्स की वैल्यू फोर अगर मैं इस फंक्शन में डालू तो वाई की वैल्यू हो जाएगी सोलह ठीक है बहुत बढ़िया डिफ्रेंशिएशन <coughs> क्या बताता है हिंदी भाषा में बताओ डिफरेंशिएशन क्या बताता है डिफरेंशिएशन बोलेगा अरे अगर मैं इसमें ये निकालूं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालूं क्योंकि मैं चूँकि चेंज लंबा हुआ है तो मैं डी वाई नहीं लिखूंगा डेल्टा वाई लिखूंगा क्योंकि चेंज तो बड़ा हुआ है दो का चेंज हुआ है अब चेंज दो ना तो दो से बहुत छोटा है ना तो चार से बहुत छोटा है तो मैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तुम तो बताना क्या आ रहा है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या होगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या मैं इस डिस्टेंस को डेल्टा एक्स लिख दूँ क्या मैं इस डिस्टेंस को डेल्टा वाई लिख दूं क्योंकि डेल्टा वाई क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा एक्स क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल ठीक तो ये जो डिस्टेंस है ये है तुम्हारा सोलह में से आठ गया कितना हो गया आठ और ये जो डिस्टेंस है ये है तुम्हारा दो यही डिस्टेंस है ना यही डिस्टेंस है यही डिस्टेंस है अगर मैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालूं तो क्या आएगा एट बाई टू दैट इज फोर आएगा अच्छा इस थोड़ा ट्रायंगल को देखना है ए बी सी इस ट्रेंगल को जरा देखना इस ट्रगल को जरा देखना ट्रेंगल ए ट्रेंगल बी ट्रेंगल सी दिस इज दिस इज योर एंगल थीटा दिस इज योर एंगल थीटा यही तो थीटा अभी अभी नहीं लेते अभी थीटा को इंट्रोड्यूस ही मत करो वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे अभी तुम क्या समझो इस ट्रैंगल को देखो इस ट्रेंगल को समझो इसकी वैल्यू है डेल्टा एक्स इसकी वैल्यू है डेल्टा वाई डेल्टा वाई अगर मैं इसका टैन थीटा लू अगर मैं इसको थीटा मान के इसको टैन थीटा लू तो क्या लिखूंगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हाँ या ना लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा आठ थीटा क्या है थीटा इस लाइन का क्या है चूंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा तो थीटा क्या है इस लाइन का स्लोप है तो स्लोप बराबर क्या आ रहा है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और अभी स्ट्रेट लाइन में फार्मूला भी पढ़ोगे डेल्टा वाई को मैं लिख सकता हूँ ना वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ तो ए, ए और इसकी वैल्यू क्या आएगी थीटा की वैल्यू क्या आएगी ए है एट एंड दिस इज फोर तो इसकी वैल्यू आएगी एट बाई फोर एट बाई टू इजल टू फोर तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या आ रहा है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या आ रहा है अगर कोई फंक्शन दिया है अगर कोई ग्राफ दिया है तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या आ रहा है तुम बताओ स्लोप के इक्वल में आ रहा है स्लोप के इक्वल आ रहा है स्लोप के इक्वल आ रहा है ना स्लोप के इक्वल आ रहा है ना अब इसी को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में इस इस सिनेरियो में थोड़ा देखना यहाँ से तुम्हें समझ में आ गया कि स्लोप जो होगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई के इक्वल आएगा तो थोड़ा सा ना तुम इसको इस ग्राफ पे समझो इस ग्राफ पे थोड़ा सा समझो बस तुम्हें समझना है कंफ्यूज नहीं होना है सिंपलेस्ट मेथड जो होगा वो तो मैं तुम्हें समझाऊंगा सब बता ही दूंगा लेकिन अभी तुम ना प्रॉब्लम में मत आ जाना कि अरे सर क्या टफ टफ बता रहे हो पहले ना हमें फाउंडेशन अपना क्लियर हमें अपना फाउंडेशन थोड़ा सा क्लियर करके रखना चाहिए बिकॉज़ दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एक ग्राफ है एक फंक्शन है y x² अगर मैं इस फंक्शन को फिर से रीड्रा करूं तो y square, एक पैराबोला होता है और मैं तुम्हें अपने तुम्हारी सहूलियत के लिए बता दूं कि इसका ग्राफ ऐसे ही होता है इसका ग्राफ जो होता है इसका ग्राफ जो होता है ऐसे होता है ये एक पैराबोला है और इसका ग्राफ जो होता है ऐसे होता है तो तुम इसके थोड़ा सा कर्व को समझने की कोशिश करो अगर मैं एक्स इनिशियल यहां पर लेता हूँ तो इसके करस्पोंडिंग वैल्यू यहाँ होगी यहाँ पे होगी ना अरे इनिशियल के करस्पोंडिंग वाई की वैल्यू यहाँ होगी वाई यह इनिशियल है और अगर मैं x फाइनल यहाँ पे लेता हूँ तो इसके कॉरस्पोंडिंग y की वैल्यू यहाँ होगी यही होगा और कुछ तो होगा नहीं वो यहाँ होगी ठीक है यही यही होगा और कुछ तो होगा नहीं कहाँ चला गया हूं? Am I right? अब मैं इन दोनों उसको मिला देता हूँ अब मैं इन दोनों को थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करता हूँ तो समझो इन दोनों लाइन्स को मैं मिला देता हूँ आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस टू लाइन्स ठीक है और इसको एक राइट एंगल ट्रेंगल फिर से मैं बना देता हूं यहां से यहां तक की वैल्यू को क्या मैं डेल्टा एक्स बोलूंगा यहां से यहां तक की वैल्यू को क्या मैं डेल्टा एक्स बोलूंगा और यहां से यहां तक की वैल्यू को मैं क्या मैं डेल्टा वाई बोलूंगा अभी जो टेंजेंट है अगर इसके साथ थीटा बना रहा हो तो ये भी क्या थीटा बनाएगा तो इस केस में भी क्या मैं बोल सकता हूं कि जो टैन थीटा होगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के बराबर होगा अच्छा ये जो लाइन है कोई टेंजेंट नहीं है एक सीकेंट है क्योंकि टेंजेंट तो किसी एक पॉइंट पे होता है क्या मैं डेल्टा वाई क्या मैं थीटा को डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के बराबर बोल सकता हूँ यहाँ पे भी इस केस में भी जैसे कि मैं स्ट्रेट लाइन के केस में बोल पा रहा था क्या मैं इस केस में भी बोल सकता हूँ क्या मैं हर एक फंक्शन के केस में बोल सकता हूँ कि जो ए लाइन होगी जो ए लाइन होगी

बहुत ज्यादा नहीं लेके जा रहा मैं फाइनल को बस थोड़ा सा आगे खिसका रहा हूँ। मतलब एक्चुअली मैं बनाने के लिए मैं थोड़ा सा आगे खिसकाया हूँ। एक्चुअली मैं उसे वो थोड़ा सा थोड़ा सा ही आगे है जैसे अगर ये चार है ना तो जो एक्स फाइनल है वो 4.0001 है तो इसके करस्पोंडिंग y की वैल्यू यहां होगी अगर मैं तुम सोचो

होगा कि नहीं होगा क्या ये यह, यहां तक किसको समझ में आया यहां तक किसी को फील हुआ क्या अगर यहां तक किसी को समझ में आया हो तो बताओ नहीं आया हो तो मैं फिर से रिपीट करूंगा इस सेम प्रोसेस को मैं फिर से रिपीट करूंगा बस मुझे मेरा धी है कि मुझे तुम्हें इस बात को फील कराना है अभी ये ये एक्चुअली में ए, अगर एक्स इनिशियल यहां है ना तो एक्स फाइनल भी यहीं पे है वो तुम्हें बस दिखाने के लिए मैं थो, थोड़ा बड़ा बनाया हूँ अदरवाइज कोई वो नहीं है तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अगर किसी पॉइंट पर एक्स इनिशियल के एक अगर अगर मैं एक्स इनिशियल कोई पॉइंट मानूं तो अगर मैं उस पॉइंट ऊपर डिफ्रेंशिएशन निकालू डी वाई बाई डी एक्स तो उससे होके गुजरने वाली जो लाइन होगी उसके स्लोप के बराबर ही इसका डिफ्रेंशिएशन होगा या मैं कह सकता हूं कि डी वाई बाई डी एक्स जो होता है उसके टेंजेंट के उसको टच करते हुए जाने वाली लाइन के स्लोप के बराबर होता है <laughs> कितने लोग को पहले बात टेंजेंट पता है टेंजेंट इज नथिंग, टेंजेंट होता है रेखा मतलब अगर किसी पॉइंट पे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन को आप अगर आप डिफ्रेंशिएशन लेना चाहते हो तो ग्राफिकल मीनिंग ये कहता है कि आप उस पॉइंट पर क्या कर दो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा टेंजेंट एक लाइन है एक स्पर्श रेखा है जो स्लोप होगा कि किसके बारे में बताएगी वही के बारे में बताएगी, उस फंक्शन के उस पॉइंट पर डिफ्रेंशिएशन के बारे में बताएगी कितने लोग को फील हुआ कि डिफरेंशिएशन क्या है कितने लोगों समझ में आया कि वट इज डिफरेंशिएशन अगर समझ में आया हो तो बताओ अगर फील हुआ हो कि डिफरेंशिएशन क्या है तो बताओ तभी मैं आगे बढ़ूंगा अदरवाइज कोई फायदा नहीं है बोलो अरे बोलो गाइस जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बोलो सारे लोग यस सर बहुत बढ़िया सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ हाँ समझ में आया झूठ मत बोलना झूठ मत बोलना है ना अगर तुम्हें लग रहा है कि अरे बहुत बेकार पढ़ाते हो <laughs> तो उसे भी तुम बता दो झूठ नहीं बोलना है ना ठीक है तो इसका मतलब यहां से पॉइंट क्या निकला पॉइंट ये निकला कि जो स्लोप होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए वो जो पॉइंट ए था वो किसके बराबर होगा भाई उस फंक्शन के उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन के बराबर होगा तो डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस चीज को बताता है तो उसके स्लोप को बताता है अच्छा अगर अगर अब तुम दूसरी भाषा में सोचो अगर किसी का किसी पॉइंट पर पॉजिटिव निकल के आ जाए ठीक है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग पहले इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन की बात हो चुकी है हम कैसे हमें कैसे पता चलता था कोई फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज होगा तो स्लोप से पता चलता था

अब है कुछ बेसिक रूल कुछ बेसिक रूल ठीक है कुछ कुछ बेसिक रूल हमें समझना है कि डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स क्या होते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल क्या होते हैं अच्छा ये बेसिक रूल कहाँ से आए हैं बेसिक रूल वहीं से आए हैं जहां से तुमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था जैसे हमने डिफरेंशिएशन फील किया था सारा कुछ वहीं से निकाला गया है पर हमें पी एच डी नहीं करना है पर फील करते हुए जरूर चलना है जैसे अगर कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन है कॉन्स्टेंट फंक्शन मतलब क्या कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या कांस्टेंट फंक्शन किसको कहोगे जिसमें तुम इनपुट डाल रहे हो और आउटपुट में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है जो पहले था वो अभी है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई और इस फंक्शन को अगर मैं दिखाऊं एक्स बराबर 0 पर इसकी वैल्यू क्या थी इतनी थी एक्स बराबर एक्स नॉट पर भी इसकी वैल्यू उतनी ही है

मतलब आउटपुट पहले से ही फिक्स्ड है वो चाहे इनपुट जो भी कर लो इनपुट चाहे जो तुम्हें रखना है रख लो आउटपुट सिर्फ वो क्या देगा एक ही वैल्यू देगा उसको हम कॉन्स्टेंट फंक्शन बोलते हैं तो तुम बताना मान लो तुम डिफ्रेंशिएशन जानते ही नहीं हो लेकिन तुम एक बात बताओ डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या होता है एक्स चेंज करने पर वाई में क्या चेंज आ रहा है इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है डिफरेंशिएशन कहलाता है एक्स को तुमने मान लो चेंज कर दिया तो वाई में चेंज कितना हुआ

घट रहा है तो इसका मतलब उसका उसके जीवन का नेगेटिव चल रहा है। और अगर कोई ना तो बढ़ रहा है और ना ही वो घट रहा है आ, right? तो अगर किसी का स्लोप जीरो तो स्लोप किसको दर्शाता है स्लोप बराबर क्या होता है उस फंक्शन का उस पॉइंट पे डिफरेंशियन है ना स्लोप बराबर क्या होता है स्लोप बराबर क्या होता है या फिर dy dy आप चूंकि स्लोप जीरो है तो तो होगा होगा कि कि नहीं कितने लोगों को पहला पॉइंट फील हुआ अरे ऐसे समझो ना कि कभी तुम पढ़ो तुम गलत ना हो यार अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो और उसके बाद भी तुमसे गलतियां हो तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल यहां बात रटने की नहीं है बात समझने की है, है ना हमारे फिजिक्स में रटंत विद्या नहीं अंडरस्टैंडिंग विद्या चलेगी बात समझ रहे हो कि नहीं कितने लोगों समझ में आ रहा है कितने लोग को ही फील हो रहा है कि हाँ सर कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियन जीरो होता है आई कैन फील दिस ठीक है पहला रूल नंबर वही था रूल नंबर दूसरा है कि कोई अगर फंक्शन है कोई अगर फंक्शन है या है है जैसे X है, ये टाइप समझना अगर एक्स के पावर एन है और मुझे उसे डिफरेंशिएट करना हो तो रूल क्या कहता है कि पावर बाहर आएगा और पावर में से घटेगा एक मतलब एक्स के पावर एन का जो डिफ्रेंशिएशन होगा मतलब टी आफ एक्स के पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होगा पावर को बाहर लेके आओ तो एन हो जाएगा और पावर में से एक घटा दो कितने लोगों को समझ में आया कितने लोगों को समझ में आया कि एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं कि एक्स के पावर फाइव का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे करोगे तो क्या बोलोगे भाई पावर बाहर लाऊंगा और पावर में से एक घटा दूंगा राइट right? क्या एक्स के पावर फाइव का डिफरेंशिएशन यही होगा अच्छा 1/x का डिफरेंशिएशन जरा बताना जल्दी बोलो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा जल्दी बोलो जल्दी बोलो तो क्या बोलोगे यहाँ पे x के a 1/x को क्या मैं 1 x की पावर माइनस -1 लिख सकता हूँ? क्या ये भी इसी टाइप को बोल रहा है इसी टाइप को शो कर रहा है टाइप सेम है हाँ सर टाइप सेम है क्या यहां पे फार्मूला लग जाएगा हां सर लग जाएगा तो मैं इसको क्या करूंगा बाहर लेके आऊंगा -x x के पावर माइनस वन और एक घटाऊंगा तो माइनस वन लिखूंगा माइनस वन इंटू एक्स के पावर माइनस दो माइनस दो बाहर लेके नीचे लेके जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर आंसर इज इट राइट गाइज क्या है ठीक है एवरीथिंग इज फाइन अरे बोलो बच्चा पार्टी हाँ वो बहुत बढ़िया अबरार तीसरा एक्स के पावर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बताओ बिना पेन पेपर उठाए चलो बिना पेन पेपर उठाए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा तो ये भी उसी टाइप को बता रहा है एक्स के पावर एन तो मैं क्या करूंगा पावर बाहर लेके आऊंगा और पावर में से एक घटा दूंगा तो दो में से एक घटाए तो एक्स हो जाएगा एम राइट चौथा एक, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं डी बाई डी एक्स रूट एक्स का रूटेक्स का डिफरेंशिएशन बताओ रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा होगा क्या ये भी उसी टाइप को बता रहा है या ये किसी अलग टाइप को दिखा रहा है क्या ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है रहमान एहसान अंसारी क्या ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है हाँ सर सेम टाइप का क्वेश्चन है जिन लोगों को थोड़ी बहुत गणित पता होगी उनको पता होगा रूट को मैं वन बाई टू लिख सकता हूँ हाफ अब क्या होता है रूल क्या कहता है कि पावर बाहर लेके आइए तो मैं पावर को बाहर लेके आऊंगा और उसके बाद क्या करूंगा एक्स के पावर वन बाई टू में से एक घटा दूंगा तो ये हो जाएगा वन बाई टू एक्स के पावर माइनस वन बाई टू अब माइनस को नीचे लेके जाऊंगा तो मैं लिखूंगा वन वन बाई टू एक्स के पावर ये वन बाई टू इसको होल लिख लो वन बाई टू रूट एक्स आंसर अच्छा आप इसको याद भी कर लेना रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई टू रूट एक्स होता है एक पांचवा सवाल जो तुमसे मैं पूछूंगा डिफ्रेंशिएशन हमको करना है वन बाई रूट एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है सिंपल ये सब लुलुल -लुल सवाल है बट क्या ना कि मैं तुम्हें बेसिक फील देना चाहता हूँ और मैं फिजिक्स का कोई भी टॉपिक के कुछ नहीं पढ़ाऊंगा छोड़ूंगा कुछ नहीं भले मुझे दो क्लास लेना पड़े एक दिन में तुम दो क्लास के लिए रेडी रहना बट कॉन्सेप्ट इतना क्रिमी क्लियर होगा कि तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी तुम देख लेना कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर बच्चा मेरी क्लास में रेगुलर है और वो सोच नहीं पा रहा है या उससे क्वेश्चन नहीं लग रहा है ऐसा नहीं हो सकता है। ए ये कभी पॉसिबल ही नहीं है हाँ अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो सकता है कि ना लगे पहली बार में बट जो बेसिक सवाल पूछे जाते हैं एमयू में नीट में या फिर जेई में नॉमिनल जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे तुमसे लग जाएंगे अपने आप ठीक है कैसे करोगे बोलोगे सर ये भी ए भी सेम टाइप का क्वेश्चन है मैं इसको बोलता हूं x की पावर -1/2 ठीक -1/2 बाहर आएगा x की पावर -1/2 1 तो ये हो जाएगा -1/2 रूट एक्स आंसर इज इट राइट क्या सही है क्या सब कुछ बढ़िया है इज इट फाइन एवरीथिंग इज फाइन बोलो गाइज ओके okay. ठीक है चलो नियम नंबर तीन नियम नंबर तीन क्या कहता है दो नियम सीख गए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है दूसरा क्या है नियम नंबर तीन है ओके okay? गाइज समझ में आ रहा है हाँ एक बच्चे ने सही बोला होगा माइनस ए इसके पावर में होगा माइनस थ्री बाई टू ओके अब सही हुआ इज इट राइट नाउ हाँ इसमें थोड़ा सा गलती हो गई पावर घटाना होता है जोड़ना नहीं होता है मूर्खदास माइनस थ्री बाई टू आंसर ओके गाइस ठीक है चलो ये मिस्टेक थी थोड़ी सी राइटिंग कैलकुलेशन मिस्टेक कहते हैं जिसको किसी को कुछ पूछना था क्या कोई हैंड राइज कर रहा है क्या ओके okay, तुम हैंड राइज कर रहे थे क्या नहीं जिसको जो पूछना हो तुरंत -तुरं -तुरं नहीं है, है? कि है मतलब किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो तो जैसे फॉर एग्जांपल ये समझो क्या कह रहा है कि हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका सिक्स एक्स स्क्वायर का तो एक्स के पावर एन के साथ क्या है

मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ देख रहा हो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है टू इन एक्स ये हो गया बारह एक्स आंसर अभी क्या है ना कि अभी डिफरेंशिएशन <laughs> और इंटीग्रेशन अभी कुछ देर पहले इंटीग्रेशन के ही पी वाई क्यूज बना रहा था तो मैं डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेट कर रहा हूँ सॉरी फॉर दैट ठीक है आर यू पॉइंट गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो क्या तुम कर लोगे क्या तुम कर लोगे कि नहीं डी ऑफ डी एक्स ठीक है अंडर रूट टू एक्स चलो करो इसको सॉल्व करो चलिए फटाफट सॉल्व करो फटाफट तो क्या बोलोगे कि सर रूट टू को बाहर लेके आऊंगा डी ऑफ डी एक्स इन रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगा रूट टू और रूट टू का डिफ्रेंशिएशन होता है वन बाई टू रूट एक्स तो आंसर क्या हो जाएगा अंडर रूट वन बाई टू एक्स आंसर एम आर आइट और नॉट क्या ये तीसरा नियम नंबर तीन आप लोग को समझ में आया क्या नियम नंबर तीन पे अगर सवाल आएगा तो कर लोगे अभी मैं बेसिक बेसिक बता के चल रहा हूँ फिर मैं एक सवाल कराऊंगा फिर तुम्हारी फटेगी हैं? <laughs> नियम नंबर तीन समझ में आया क्या सबको बच्चों पार्टी आप सबको क्या नियम नंबर तीन समझ में आ गया ऐशान जैनुल अबरार मोहम्मद सारे लोग प्लीज टेल मी अच्छा कोई परेशान मत होना कि हमें तो ये सब आता था क्यों बता रहे हो कोई बात नहीं तुम फिजिक्स को मतलब जो आता है उसको साइड में रखो और मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको जीरो से स्टार्ट करो और मेरे साथ एडवांस लेवल तक चलो ठीक है तुम्हारे सोचने का नजरिया बदल जाएगा फिजिक्स को लेकर सच बता रहा चलिए अब हम आ, नियम नंबर चार देखते हैं नियम नंबर चार क्या कह रहा है कि अगर तीन फंक्शन जोड़े जा रहे हो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स मतलब तीन फंक्शन को जोड़ा जाए जैसे अब तुम्हारा फंक्शन ऐसा भी हो सकता है देखो ऐसा हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स तो देखो ये एक अलग फंक्शन है यह एक एल्जेब्रिक फंक्शन है या एक टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यह एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या फिर तुम्हारा फंक्शन ऐसा भी हो सकता है या फिर तुम्हारा फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कैसा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अब ये भी तीन अलग अलग तरीके के हैं ठीक है अब अगर तीन फंक्शन जोड़े जा रहे हो या घटाए जा रहे हो तो मतलब तीन टर्म्स हैं थ्री टर्म्स हैं यहाँ पे तो अगर अलग अलग टर्म्स हो अलग अलग टर्म्स जोड़े जा रहे हो या अलग अलग फंक्शन जोड़े जा रहे हो तो उनको डिफरेंशियशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए हमें सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना चाहिए अच्छा ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में करते हैं गुणा में भी मत कर देना हमें उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करके जोड़ घटा देना चाहिए जो भी चाहे साइन हो उनके बीच में हमें वो चीज कर लेना चाहिए समझ रहे हो बात समझ रहे हो ये फंक्शन तुम्हें मामला समझ में आया जितने टर्म है हर एक टर्म को क्या करो अलग अलग डिफरेंशियट कर दो फिर उनको जोड़ दो और अगर उन टर्म को आपस में घटाया गया था तो पहले अलग अलग डिफरेंशियट कर दो फिर घटा दो आर पॉइंट अच्छा अब रार कह रहा है सर हम लोग रिप्लाई uh, कर रहे हैं पर वो आप तक थोड़ा लेट से पहुंचता है अच्छा ऐसा है क्या कोई बात नहीं चलो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट क्या आपको समझ में आ रहा है क्या आपको समझ में आ रहा है इस अच्छा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्पल से ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करना चाहूँ एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन का तो कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हर एक टर्म को अपना अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके जोड़ दो मतलब इस ऑपरेटर को अंदर भेज दो ये बोलेगा एक्स यू का एक बार डिफरेंशिएशन करूँगा

दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन या ना एम राइट रॉन्ग बहुत 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 बढ़िया 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 एक सवाल थोड़ा सा और कर लेते हैं ठीक है एक सवाल और कर लेते हैं बेसिकली तुम्हारे लिए फाइव एक्स क्यूब माइनस टू एक्स इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए फटाक से इसको डिफरेंशिएट करिए देन टेल मी कि वट इज द प्रोसेस इसको डिफरेंशियट कैसे करेंगे तो बेसिक हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके घटा दीजिए तो हम क्या करेंगे डी एफ डी एक्स फाइव एक्स क्यूब माइनस डी एफ डी एक्स टू इंटू एक्स को अगर आप घट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा पाँच एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू बाहर हो जाएगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा दैट विल बी वन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा वन होगा ना एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होगा अब मल्टीप्लाई कर दीजिए पंद्रह एक्स स्क्वायर माइनस टू दैट इज माई आंसर क्या सही है इज इट राइट और रॉन्ग क्या है सही है बच्चा पार्टी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सारे लोग कर लिए तो नियम नंबर चौथा हम लोग सीख गए हैं एक एग्जाम्पल एक, एक और है आपके सामने प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम मतलब बिना पेन पेपर उठाए इस बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है बिना डायरेक्ट आंसर लिखना है ठीक है ये प्रैक्टिस के लिए डायरेक्ट आंसर लिखना है मैं अब इसको करके नहीं दिखाऊंगा कि दस लाइन लिख रहा हूँ डायरेक्ट आंसर लिखिए फटाफट <coughs> तो बोलोगे डिफ्रेंशियट करना है तो हर एक टर्म को कर दो अलग से। इसका होगा इज इट क्लियर गाइज अच्छा इस सवाल को भी थोड़ा डिफ्रेंशियट करिए आप ऑलरेडी डिफरेंशियट कर चुके हैं इसका डिफरेंशियन होगा डी वाई बाई डी एक्स इज टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू डी अपन डी एक्स माइनस वन बाई टू एक्स माइनस वन बाई टू माइनस वन तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू एक्स के पावर माइनस थ्री बाई टू ये वही सवाल था जो अभी मैंने पीछे गलत किया था ठीक है एक सवाल और आपके लिए इसको भी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करिए तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू मैं क्या लिखूंगा डी ऑफ डी एक्स और एक्स के पावर माइनस अच्छा ये इसलिए नहीं है कि आप पेन पेपर उठा के करो आपको तो डायरेक्टली करना है पेन पेपर तो मैं आपको दिखाने के लिए उठा रहा हूँ पेन अपना मैं दिखाने के लिए उठा रहा हूँ अदरवाइज मैं ऐसे भी कर सकता हूँ क्या हो जाएगा माइनस तीन अपान एक्स के पावर फोर मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ बट पेन पेपर तो उठाना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आपको तो पेन पेपर नहीं उठाना है चलिए इसको करिए बिना पेन पेपर उठाए करिएगा क्या करिएगा चार का डि चूंकि डिफरेंशिएशन करूंगा दोनों तरफ से अगर मुझे डीवाई बाई डी एक्स चाहिए तो मैं इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या है फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स माइनस थ्री रूट एक्स अब बिना पेन पेपर उठाए मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करता हूँ देखो चार का डिफ्रेंशिएशन जीरो माइनस तीन दुना छः एक्स और उसके बाद ये माइनस ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन बाहर आएगा तो माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू रूट एक्स देखो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ तुम भी डायरेक्ट डायरेक्ट करना सीख लो है ना क्योंकि हमारी स्पीड फिजिक्स में स्पीड का बड़ा रोल है दोस्त फिजिक्स में स्पीड बहुत रिक्वायर्ड है क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 80 मिनट है और ए में 50 सवाल करने हैं और 80 सॉरी 60 साठ मिनट में 50 सवाल करने हैं इतना इजी नहीं होगा और सेम केस हमारे नीट में भी होगा तो दैट विल बी नॉट मच इजी फॉर यू तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ सर लुल्लुल सवाल है बहुत एक एक लाइन के सवाल हैं जो कि हम बिना पेन पेपर उठाए कर सकते हैं इसका डायरेक्ट आंसर बोलिएगा इसका डायरेक्ट आंसर होगा माइनस वन क्या मैं सही बोला मैं रटके नहीं आया हूँ पहले बता दे रहा हूँ हैं <laughs> कई लोग कहेंगे मास्टर रट के आए हो तुम <laughs> ठीक है अरे प्रैक्टिस 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 मैक्सिमम एंड परफेक्ट मैं कोई परफेक्ट नहीं हूं लेकिन तुम परफेक्ट बनो ठीक है तुम्हें प्रैक्टिस करना है ताकि सवाल टन टन देखते ही तुम्हें पता चल जाए करना क्या है और इसका अगला स्टेप क्या होगा अगले चार स्टेप तक सिर्फ सवाल देख के सोचना है समझे ओके अब बात करते हैं अगले नियम नंबर 5 की ये कितने नियम हो गए पहले नियम 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 नंबर 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 हो गया, नियम नियम को हमने नाम नाम दिया है, है, एक बहुत प्यारे रूल से नाम से जाना जाता जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? प्रोडक्ट रूल।, रूल।, रूल क्या है देखो हमने देखो किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हमने देख लिया अगर अगर बहुत सारे फंक्शन को जोड़ा जा रहा हो तो उसका भी हमने डिफरेंशियन देख लिया अब सवाल आता है कि अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो उसको कैसे डिफरेंशियट करेंगे अच्छा चलिए अब मैं बताता हूँ मल्टीप्लीकेशन का डिफ्रेंशिएशन करने का बहुत सिंपल तरीका है जैसे मान लो एक फंक्शन है मान लो एक फंक्शन है वाई उसमें दो उसमें दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन uh, है मतलब या इसको ऐसे बोल दो वाई इज इकल टू एफ एक्स एक फंक्शन गुणे जी एक्स मतलब दो फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई किया गया हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे जैसे अगर वाई इजल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स हो तब कैसे निकालते थे आराम से बोलते थे कि सर अगर डी वाई वाई डी एक्स निकालना है तो इन दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दीजिए यही कर रहे थे ना डी वाई डी डी वाई डी एक्स और जी एक्स मतलब अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए अच्छा अगर एज टू दोनों का घटाव होता एफ एक्स माइनस जी एक्स होता तो कैसे करते तो बाई डी एक्स निकालने के लिए कुछ नहीं दोनों को फिर से डिफ्रेंशिएट करके घटा दीजिए यही तो बोलते थे तुम यही अब तक बोलते आ रहे थे ना इसके पहले सवाल में यही तो बोल रहे थे कि सर अगर जोड़ हो तो ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे घटाव हो तो ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे तो सवाल आता है कि अगर गुणा हो तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे

तो अगर मुझे डिफ्रेंशिएशन निकालना है अगर मुझे इनका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है डी वाई बाई डी एक्स अगर मुझे निकालना होगा तो देखो दोनों को एक साथ डिफरेंशियट नहीं कर सकते अब बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे अच्छा जब बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक को डिफरेंशियट करेंगे तो एक को उस टाइम पे छोड़ देंगे मतलब एक टाइम में सिर्फ एक ही को दबोचा जा सकता है दूसरा वाला फ्री रहेगा जैसे मान लो मुझे ए दबोचना है तो मैं बी को छोड़ दूंगा और ए को दबोच लूंगा मतलब ए को डिफरेंशिएट कर दूंगा फिर अगर मुझे बी को दबोचना है तो उसके छोड़ दूंगा और बी को दबोचूंगा लेकिन दबोचना दोनों को है बारी बारी छूटना कोई नहीं चाहिए बारी बारी दोनों को दबोचना है में पॉइंट अगर ये तीसरा टर्म ना वाई बराबर ए इी इंटू सी और हमें बोला जाता डीवाई वाई डी निकालो तो कोई बात नहीं बारी बारी तीनों का दबोचूंगा लेकिन जब एक को दबोच के डिफरेंशिएट करूंगा तो बाकी तो बचे रहेंगे जैसे मान लो ए को ए को दबोचना है तो बी और सी छोड़ दिया और डी ए वाई डी एक्स लिख दिया फिर बी को जब दबोचेंगे तो ए और सी छूट जाएगा फिर डी वी वाई डी एक्स और जब सी को दबोचेंगे तो ए बी रहेगा और फिर डी एक्स डी सी वाई डी एक्स बात समझ रहे हो सिंपल प्रोडक्ट का रूल बड़ा सिंपल है प्रोडक्ट का रूल बड़ा सिंपल है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कितने लोग कह रहे हैं सर रॉकेट साइंस है अरे प्रोडक्ट में कोई रॉकेट साइंस है क्या हाँ यू भी मैथड कह लो यू भी मैथड कह लो ए भी कह लो जो भी कह लो आ, यू भी रख लो कोई बात नहीं सबका अपना तरीका है मैथ्स वाले यू भी करते हैं हम लोग तो खैर कुछ भी कर लेते हैं हमारा ही क्या ही जाता है है कि नहीं कितने लोग को बात समझ में आ रहा है आ रहा है प्रोडक्ट रूल सब समझ गया अरे सारे प्रोजेक्ट प्रोडक्ट रूल समझ गए कि नहीं अरे बहुत इजी प्रोजेक्ट रूल है प्रोडक्ट रूल बहुत इजी है इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है अब आता है डिवीजन रूल जैसे तुमने बोला कि सर जोड़ने को कैसे अगर दो तीन फंक्शन जोड़े जा रहे हो तो डिफरेंशियट करना सीख गया अगर दो फंक्शन का गुणा किया जाए तो भी डिफरेंशिएट करना सीख गया अगर दो फंक्शन का भाग दिया जाए तो क्या होगा जैसे एग्जाम्पल में वाईजल टू यू बाई भी है या फिर वाई इजल टू एफ एक्स अपन जी एक्स है एफ एक्स भी एक्स फंक्शन है जी एक्स भी अच्छा तुम तो लोग को पता है ना फंक्शन क्या होता है कोई ऐसा बच्चा जो क्या जिसे नहीं पता इज फंक्शन अरे फंक्शन क्या होता है बट जो बच्चा पार्टी कोई ऐसा तो नहीं है जैसे फंक्शन नहीं पता कोई ऐसा तो नहीं है ओके बहुत बढ़िया चलो चलो चाहे ये हो एफ एक्स पे यहां पे यू लिख दिया हूँ और जी एक्स जगह पे भी लिख दिया हूँ जब ऐसा हो ना तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना चाहिए मैं तुम्हें सिखाता हूं देखो डी यू वाई बाई डी एक्स इजिकल टू जो होगा इसको करने के नियम ये है कि हम पहले ऊपर वाले को दबोचेंगे फिर नीचे वाले को दबोचेंगे और बाद में नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे तो पहले तो वी स्क्वायर लिख दो ऊपर वाले को दबोचो जब ऊपर वाले को दबोचोगे तो वी को छोड़ना पड़ेगा ये हो गया डी यू बाई डी एक्स माइनस अब नीचे वाले को दबोचोगे तो ऊपर वाले को छोड़ना पड़ेगा डी वी वाई डी एक्स मतलब डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकल के आया कि आया नीचे वाला इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस ऊपर वाला डी वी वाई डीएक्स अपन में जो नीचे है ना उसका स्क्वायर सिंपल ये रूल आया डिवीजन का दिस इज द रूल ऑफ डिवीजन जिस हम डिविजन रूल बोलते हैं कि अगर दो फंक्शन का डिवीजन किया जाए तो उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं आई थिंक ऑल द थिंग्स आर क्लियर फॉर यू अगर आप में से किसी को क्लियर नहीं समझ में आ रहा हो अभी भी तो आप मुझे बताइए कि क्या समझ में नहीं आया ओके आरवीडी में पॉइंट गाइस आरवीडी में पॉइंट बहुत बढ़िया ओके डन चलो हम दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू अब चूंकि एक्सरसाइज का सवाल है तो हमें करना ही पड़ेगा ठीक है और आपको कल आ, कल के स्ट्रेट लाइन की डीपीपी आज डाल दूंगा और कल कैल मतलब डिफरेंशिएशन पार्ट वन की डीपीपी डाल दूंगा अब डेली डी आपको मिलेगी डेली प्रैक्टिस पेपर मतलब पांच दस सवाल होंगे और उसको करना ही करना है लेकिन सोच समझ के करना अच्छे सवाल होंगे लुल्ल सवाल नहीं होंगे हाँ प्रैक्टिस के लिए जो मटेरियल होगा वो आपको अब देना स्टार्ट कर दिया जाएगा क्योंकि आप धीरे धीरे उस लेवल पे पहुँच रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाऊंगा कौन सा रूल लगाऊंगा डिवीजन रूल लगाऊंगा

अपॉन में इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा दैट इज द आंसर तुम इसको और सजा के लिख सकते हो पर ये आंसर है अपना कितने लोगों को समझ में आ गया हो. बड़ा सिंपल सा आंसर है इट्स अ वेरी इजी नॉट अ टफ अगर तुम्हें अगर और सजा के लिखना हो तो इन दोनों का एलसीएम ले लो ये क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा 4x2 x2 1 x 2√x इतना तो मैथ्स आता होगा आता होगा कि नहीं आता होगा अरे आता है ना इतना मैथ्स ठीक है इतना मैथ्स आता है तो बढ़िया नहीं आता है तो पूछ सकते हो फोर एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स के पावर थ्री बाई टू दिस इज आंसर इज इट राइट अरे क्या सही है मैंने सही किया अरे क्या मैंने सही किया हाँ बस एक लाइन का सवाल था उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तुम्हें डिफ्रेंशियशन आना चाहिए डिवीजन रूल आना चाहिए चलो थोड़ा सा और कुछ एक्सरसाइज करते हैं मतलब एडिशन सबस्ट्रक्शन डिवीजन अब इन सबको यूज करके थोड़ा सा के करते हैं फिर हम लोग चलेंगे लॉग में और टिक्नोमेट्रिक uh, फंक्शन में और दो लेक्चर में तुम्हारा डिफ्रेंशियेशन खत्म हो जाएगा और एक से दो लेक्चर में तुम्हारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा दस लेक्चर तो लगेंगे ही लगेंगे आई थिंक ये चौथा लेक्चर है अभी छह लेक्चर बाकी है हाँ भाई और बोलो क्या सवाल है हाँ, पूछो अच्छा हम देखो ये वाला लाइन पूछ रहा ना ये वाला लाइन हाँ डिवीजन रूल के बिना सेकंड मेथड देखो इसको कैसे करेंगे इसको अगर तुम्हें ऐसे करना है तो ऐसे कर लो <laughs> एक्स स्क्वायर में रूट एक्स से भाग दे दो एक्स के पावर वन बाई टू से भाग दे दो प्लस वन बाई

प्लस ए क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू और एक्स के पावर माइनस थ्री बाई टू तो आंसर क्या आएगा भाई साहब थ्री बाई टू रूट एक्स माइनस वन बाई टू एक्स के पावर थ्री बाई में आ रहा बात समझ में आ रहा है जब एलसीएम लोगे तो सेम आ जाएगा ठीक है एल्सियम ले लो ना चलो वन बाई टू को बाहर कर दो ये हो जाएगा थ्री रूट एक्स माइनस वन बाई एक्स के पावर थ्री बाई टू अब जब तुम एलसीएम लोगे तो आंसर में क्या आएगा टू एक्स के पावर थ्री बाई टू और जब इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा थ्री और आधा प्लस थ्री बाई टू कितना होगा आधा प्लस डेढ़ कितना होगा स्क्वायर e आंसर समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी देखो आंसर सेम आया क्या बोथ आंसर आर सेम क्या दोनों के आंसर सेम आए तो तुम्हारी मर्जी तुम चाहे ऐसे करो या ऐसे करो इवन ये ज्यादा आसान है और ये थोड़ा सा क्या लंबा है टोटली इट्स योर चॉइस ठीक है अब बोलो अच्छा बाड़ी? कोई नहीं जब भी डाउट बिल्कुल पूछते चलो आई विल टेल यू ठीक है चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हम अगला प्रैक्टिस करते हैं बोलो भैया क्या होगा अच्छा इसको दो तरीके से कर सकते हैं जैसा या तो हम इन दोनों का पहले ही मल्टीप्लीकेशन कर लें और उसके बाद इसको समेशन के फॉर्म में ला लें और या फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर लें तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस रूल से सॉल्व करना चाहते हो बट कोई नहीं चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको मैं इसको फंक्शन ए मानता हूँ इसको फंक्शन बी मानता हूँ और ए इंटू बी के मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करता हूँ तो पहले मैं इसको इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसको छोड़ दूंगा तो इसको छोड़ दीजिए टू एक्स माइनस वन बाई एक्स और जब इसको दबोचेंगे तो ये हो जाएगा 2x एक्स प्लस वन बाई टू रूट ठीक उसके बाद प्लस अब इसको छोड़ दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स और दूसरे वाले को दबोच लीजिए इसको दबोचेंगे तो ये हो जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन 2, और ये ऊपर जाएगा तो x के पावर माइनस वन होगा तो ये प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आंसर क्या सही है इज इट राइट अब इसको तुम और बढ़िया से सजा सकते हो लेकिन मैं सजा नहीं रहा क्योंकि मेरा बेसिक का, बेसिक काम क्या है डिफरेंशिएशन सिखाना क्या सही है बच्चा बाड़ी इज इट राइट और रॉन्ग इज इट राइट और रॉन्ग ठीक है बढ़िया अरे बोलो बच्चा पार्टी अरे बोलोगे कुछ ठीक है अब यहां से तुमने एक तरीके के फंक्शन मतलब ए, ए जो हमारे अलजेब्रिक फंक्शन थे

ठीक है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है समझो दो टिक्नोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंशिएशन मैं पहले तुम्हें याद करने के लिए बोल रहा हूँ इसके बाद तो सब निकल जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स कितने लोग को ये दो बात समझ में आ रहा है क्या ये दो याद रख पाओगे क्या क्या ये दो याद रख पाओगे क्या है वो दो याद पा, रह पाएगा तुमसे इन दो का, इन दो का इनका क्या आपसे याद हो पाएगा अच्छा याद होगा तो भूलिएगा नहीं अच्छा और वो थार, मतलब एक दूसरे के वाइसे वर्सा है रिवर्स है जैसे अगर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है अगर डी वाई वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स साइन एक्स होगा ये ध्यान रखिएगा बात समझे एकदम है <coughs> पहले मैं डिफ्रेंशिएशन सिखा रहा हूं इंटीग्रेशन तुम्हें अगले मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा तो इन दोनों बातों को तुम ध्यान रखो कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं क्योंकि हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां करती हैं मतलब हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना होता है साइन एक्स का या कॉस एक्स का हम वहाँ पे उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इन दोनों चीज़ों को ना डिफरेंट रखना एक फॉर्मूले को अच्छे से सीख लो दूसरा फार्मूला अपने आप सीख जाओगे तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को अपने जेहन में बैठा लो अपने दिल में बैठा लो है ना जितना उतना अंदर बैठाओ जितना अपनी गर्लफ्रेंड को अभी नहीं बैठाओगे तभी तुम्हारा जाके कल्याण होगा तो इसे अपने दिल में बैठा लीजिए बसा लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अब ये पहला फॉर्मूला है इन दोनों का बाकी सब तो एग्जाम्पल से निकल जाएंगे चलो अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें याद नहीं करना है जैसे मान लो मेरे मन में आया कि हम टेन को डिफ्रेंशिएट कर दें अगर हम साइन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कॉस मिल रहा है साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस आ रहा है अच्छा क्या साइन और कॉस्ट बराबर है ना साइन के डिफ्रेंशिएशन कॉस के बराबर है अगर साइन का हम डिफ्रेंशियन लें या साइन का किसी पॉइंट पे हम स्लोप लें तो उस पॉइंट पे कॉस की वैल्यू के बराबर आएगा समझ लो कितना मतलब आ, कितना अद्भुत सा मतलब इसका हिंदी मतलब है जो तुम थोड़ा समझने की कोशिश करना <laughs> अगर मैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स बोल रहा हूँ तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स एम आई राइट right? इसको मैं लिख सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे डिवीजन रूल लगा लूँ तो डिवीजन रूल लगाऊंगा तो मैं साइन को पहले दबो तो मैं लिखूंगा कॉस एक्स इन साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस उसके बाद माइनस साइन यहाँ लिख दूंगा साइन एक्स फिर इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन अभी तुमने ऊपर सीखा सीखा कि नहीं ऊपर तो सीखा ना अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर कर दो तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर अभी क्या होगा ये वाला फंक्शन हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू वन होती है अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है सेक्स स्क्वायर एक्स तो अगर मैं बोलूँ डी ऑफ डी एक्स टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी तो दैट विल बी सेक्वायर एक्स You right? 100 है Is it right? Is it clear or not? क्या क्या सही आपके दिल में क्या आपके जहन में समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है बताइए भाई समझ में आ रहा है अच्छा तो तीसरा फार्मूला हमारा लगे हाथ तैयार हो गया तीसरा फार्मूला ये है कि साहब डी ऑफ डी वाई बाई आ डी ऑफ जो डी एक्स है टेन एक्स का के बराबर होगा एम आर राइट और नॉट इज इट क्लियर और नॉट क्या क्लियर है क्या आपको समझ में आ गया तीसरा फार्मूला अच्छा ऐसे ही कुछ और ऑटिगनोमेट्रिक फंक्शंस के नाम बताओ उनको भी थोड़ा लपेटा जाए इसी में चलो ऐसे ही कुछ और ऑटिगनोमेट्रिक फंक्शन के बाद नाम बताओ तो चलो आप ऑटिगनोमेट्रिक रेशियो के नाम बताओ तो डी ऑफ डी एक्स अपन लोग ले लेते हैं sec x ठीक है sec x को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे छह ही होते हैं ती, तीन का तो पहले ही निकाल चुके हो अब अपन लोग सेक कॉ और कॉट का निकालते हैं तो सेक का डिफ्रेंशियन क्या होगा तो सेक का डिफ्रेंशिएशन मुझे नहीं याद भी है तो अभी मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अब तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्योंकि अब मैं बता दूंगा ठीक है क्या होगा इसको ऊपर भेज दू क्या सॉल्व करके देखो तुम ही सॉल्व करो मैं तुम्हें से सॉल्व करवाऊंगा मैं इतना मेहनत खुद नहीं करना चाहता अब कर लो कॉस एक्स इनवर्स मत करो इनवर्स रहने दो ऐसे कर लो

एक्स के पावर माइनस अगर मैं इसको कुछ देर के लिए एक्स समझूं तो क्या एक्स के पावर माइनस वन जैसा बिहेव नहीं कर रहा है क्या एक्स के पावर माइनस अच्छा चैन रूल मैंने समझा चैन रूल मैंने तुम्हें सिखा दिया क्या मैंने क्या चैन रूल सिखाया है अभी नहीं सिखाया कोई बात नहीं चैन रूल से अभी इसको आगे करेंगे इसको तुम ऐसे कर लो सुनो अभी तुम ऐसे कर लो बिना किसी फॉर्मूले को यूज किए ऐसे कर लो ऊपर वाले को यू मान लो नीचे वाले को भी मान लो ऐसे कर लो ऐसे भी हो जाएगा पहले नीचे वाले को तो हम छुएंगे ऊपर वाले को ही दबोचना पड़ेगा तो वन का डिफ्रेंशियन जीरो हो जाएगा माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डिफ्रेंशियन तो दैट विल बी माइनस नीचे वाले का स्क्वायर तो दैट विल बी का स्क्वायर अच्छा जीरो से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा हीरो हो जाएगा तो इस सारा चट हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया और ये साइन बचा तो साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर ऐसे लिख दो

क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ अच्छा ऐसे ही एक और जारा निकाल देना थोड़ा डी ऑफ डी एक्सक एक्स निकाल दो जल्दी निकालो फटाफट कैसे करोगे कैसे निकाल लोगे तो निकालने के लिए कुछ नहीं करना है सेम प्रोसेस अपना one by, कर लो। अब इसको क्या मान लो यू मान लो और इसको तुम भी मान लो तो यू भी यू बाई भी मेथड लगा लो तो तो तुम्हें लगाने आता है ना डिविजन रोल तो तुम्हें लगाने आता है वो एक लाइन में आएगा क्या है कि अभी मैंने तुम्हें रूल नहीं पढ़ाया है तो मैं उस पे नहीं ले जा रहा हूं। लेकिन जब रूल तो मैं उसे भी यूज करूंगा समझे अच्छा मेरे बाल का हेयर स्टाइल खराब हो गया है क्या तुम लोगों को भी लग रहा है क्या बाल का हेयर स्टाइल चेंज कर लो अच्छे नहीं लग रहे हो आप ऐसा तो नहीं लग रहा बच्चा पार्टी बोलो बोलो अरे बोलो बच्चा पार्टी <laughs> ओके ठीक है बहुत बढ़िया कह रहे है नो सर मैं अच्छा नहीं लग रहा साहिल चलो आप करने के लिए क्या करेंगे ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो साइन एक्स इन टू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन जीरो माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स अपॉन नीचे वाले का नीचे वाले का स्क्वायर यही तो रूल है ना अरे दो चीजों के आ, दो चीजों को भाग देने का रूल क्या है डी ऑफ डी एक्स यू बाई यू बाई वी क्या है तो ये क्या कहता है कि भैया पहले हम ऊपर वाले को छोड़ नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले को डिफरेंशियट करेंगे माइनस अब ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले को डिफ्रेंशियट करेंगे और नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे दिस इज द रूल ऑफ डिविजन सिंपल अब जीरो सिक्स में मल्टीप्लाई हुआ तो हीरो बन गया खत्म ये क्या हो गया माइनस कॉस एक्स अपॉन में आहा, भी हा लाहौर बिलकवा होल स्क्वाइन एक्स तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स दो बार साइन लिख दूँ साइन एक्स साइन एक्स कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी कॉस बाई साइन क्या होगा कॉस बाई साइन क्या होगा भाई साहब एक तो कॉट हो जाएगा कॉट एक्स और वन बाई साइन क्या होगा कॉस एक तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब सर हमने इसका भी निकाल दिया कि साहब अगर d ऑफ dx ऑफ कोसेक x पूछा जाए तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक x कॉट x मैं समझ में आ रहा है ना अरे सिर्फ हमें दो पता था और हमने उस दो से सारा निकाल दिया sin का पता हो और cos का पता हो तो हम बाकी सब निकाल देंगे किस बात का दुख और किस बात का गम जब तक है हम बात समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी साहिल कह रहा है स्मार्ट लग रहे हैं अच्छा ओके थैंक यू तो ये समझ में आया अच्छा एक और बचा हुआ है कौन सा बचा हुआ है कौन सा बचा हुआ है उसे भी लगे हाथ निकाल दो डी वाई डी एक्स कॉट जरा इसे भी निकालिएगा बच्चा पार्टी कैसे निकालेंगे इसे अरे कॉट को कैसे निकालेंगे बताइए तो इसका भी बहुत तरीका वही है बात वही है तरीका भी वही है कुछ भी नया नहीं है कॉट को मैं लिख सकता हूं ना कॉस एक्स अपान साइन एक्स ठीक है कॉस एक्स अपान साइन एक्स अच्छा वैसे इसके दूसरे तरीके भी हैं बट मैं दूसरा मतलब अब मैं चूंकि तुम्हें चैन रूल नहीं सिखाया हूं तो अभी मैं उस तरीके पे नहीं जा रहा बहुत ही बेसिक सा बहुत ही लुल्लू सा है ना बहुत ही झिंगुर सा तरीका मैं अपना रहा हूँ है ना बट आगे चल के मैं अच्छे अच्छे तरीकों को भी यूज करूंगा और पहले मैं उन्हें सिखाऊंगा फिर यूज करूंगा ठीक है मैं मान के चल रहा हूं कि तुम जीरो हो बट अभी छः महीने के बाद या नौ महीने के बाद तुम पूरा का पूरा हीरो बन जाओगे टेंशन मत लो तो यू बाई एक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स है मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले को दबोच लूंगा तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स ठीक है उसके बाद माइनस ऊपर वाले को छोड़ूंगा

साइन स्क्वायर एक्स तो वन बाई साइन स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स आंसर ओ हो हो क्या ही सिंपल सिंपल क्या ही सिंपल सिंपल आ रहे हैं आंसर आया मजा आया कि नहीं गाइस बच्चों पार्टी मजा आया लुल्ले है सब चलिए अब हम इसका एक टेबल बनाते हैं क्या बनाते हैं बच्चा लोग टेबल तो चलो अब तुम्हें इस टेबल को पूरा करवाना है डी 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 ऑफ साइन एक्स दी एक्स दी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स ठीक है अच्छा डी वाई डी ऑफ साइन का उल्टा ले लो डी वाई डी ऑफ कॉस एक एक्स डी वाई डी ऑफ सेक एक्स डी वाई डी ऑफ टैन एक्स चलिए इन सब का आप करके दिखाइए का क्या होता है रटना है ये ये हमें हमें रखना है हमें याद टेन एक तो एक्स।, एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी तुमने निकाला था स्क्वायर एक्स और कॉसिक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसिक है ना तो पहले आएगा कॉसिक एंड टू कॉट एक्स ठीक है sec का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि sec है ना तो ये पहले आएगा sec x into tan x tan का डिफरेंशिएशन क्या अरे यार यहां मैं क्या लिख दिया ओ हो 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 क्या लिख दिया हे hey, प्रभु ये क्या हुआ d by dx cot x ये क्या होगा भाई माइनस cot x का क्या आएगा cosec² x राइट? अच्छा right? कहां कहां माइनस आ रहा है जिसके सामने सी है जिसके सामने सी है गौर करने वाली बात यह है कि जिसके सामने सी है, देखो कॉस के आगे सी ठीक है कॉशे के आगे सी और कॉट के आगे सी जिसके सामने सी लग जाएगा <laughs> उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या रहा है? आ रहा है निगेटिव आ रहा है क्या मैं सही बोल रहा हूं

अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना है तो स्ट्रेंथ बनी रहनी चाहिए अगर तुम चाहते हो कि सर किसी से भी पढ़वा लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है है ना क्योंकि अभी वैसे भी जेई ही मैच मतलब आई टी जेई वाला बैच लॉन्च कर रहा हूँ तो मैं आई टी जई वाले में ही पढ़ाऊंगा फिर तुम्हारे यहाँ ही पढ़ाऊंगा तो अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया तुम ही पढ़ाओ तो कायदे से क्लास आओ अगर तुम लग रहा है कि नहीं सर आप फर्जी पढ़ा रहे हो फालतू पढ़ा रहे हो इससे हमारा कुछ भला नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं हमारे पास टीचर बहुत ज़्यादा हैं ठीक है टीचर्स की कमी बिल्कुल एस टी बीजी में नहीं है कोई भी आके तुम्हें पढ़ा लेगा ठीक है और सारे टीचर अच्छे हैं बात समझ रहा हूँ बात समझे गाइज तो अगर तुम लोग चाह रहे हो मैं पढ़ाऊँ तो भाई क्लास के लास्ट तक रुके रहो है ना ऐसा नहीं कि छोड़ छाड़ के भाग गए ठीक है क्योंकि मैं तुम लोग की आदत देख रहा हूँ तुम लोग आदत अपना खराब कर चुके हो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन माई क्लास चलो हमने टिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीख लिया और अब हम थोड़ा सा ना आ, आ, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ चलते हैं ठीक है अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है जैसे ई e की पावर एक्स अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको क्यों कहते हैं क्योंकि ये एक्सपोनेंटियली ग्रो करता है एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है अब मैं अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन तो पढ़ाऊंगा और e जो है दैट इज यूलस कोफिशियंट और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली टू पॉइंट सेवन होती है हम लोग ये कॉन्स्टेंट है ई ये कॉन्स्टेंट है पहली बात ये समझो ई ये कॉन्स्टेंट है और किसी कॉन्स्टेंट के ऊपर एक्स है अब ई चूँकि यूलर्स कोफिशियंट है तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक एक ए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉपुलर है हर चीज में हमें देखने को मिलेगा जब तुम इंजीनियरिंग में आओगे तो आ, साइन को भी हम ई के टर्म में लिखेंगे अभी तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो वहां पर हम आ, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ई के टर्म्स में यूलर्स फॉर्म में लिखेंगे तो खैर वो तो ठीक बात है ई को याद रखना तुम ठीक है ई को अभी मैं एक्सपोनेंशियल अभी फोनेंशियल फंक्शन पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे मैं तुम्हें बताऊंगा बट अभी तुम क्या करो अभी तुम समझो कि एक कोई कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का पावर एक्स है तो उसको कैसे करेंगे? कोई नहीं होता है। लेकिन अगर ई e के अलावा e समझना अभी के लिए ई e के अलावा अगर कोई और ए होता जैसे ए के पावर एक्स तो ए के पावर एक्स का डिफ्रेंशियन जो होगा ए के पावर एक्स होगा लेकिन लॉग ई अपान होगा हम्म तुम बोलोगे कि सर इसके केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ तो एक्चुअली डी ऑफ डी एक्स के पावर एक्स के, के केस में भी हुआ था ई e के पावर एक्स इन टू लॉग ई अपान ई तो किसी का लॉग अगर सेम बेस पे लिया जाए तो उसकी वैल्यू वन होती है तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यही लिखा डी ऑफ डी एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स होता है अच्छा तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टी अगर नहीं आ रही है तो शर्माओ मत लॉग लौ, लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन तुम्हें आता है या मैं किसी दिन इस पर भी क्लास ले लूं? बोलो गई बोलो एहसान अब्रार शाइल क्या मैं इन सब पे क्लास ले लूँ लॉगरिथमिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन सारे फंक्शंस पे एक मैं सोच रहा हूँ क्लास ले लूँ बोलो क्लास ले लिया जाए कल ही ले लूँ क्या क्लासेस पे बोलो तो अभी लॉग्रेडिक फंक्शन का याद रखना है जैसा फॉर एग्जाम्पल इस पर एक एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कराऊ फोर के पावर एक्स इसको कैसे डिफरेंशियट करोगे तो क्या बोलोगे बोलोगे सर फोर के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा फोर के पावर एक्स ही होगा लेकिन लॉग में फोर बेस ई e आ जाएगा अगर मैं बोलू थ्री इंटू थ्री इंटू एट के पावर एक्स तो क्या बोलोगे बोलोगे सर अगर इसको बोलोगेट करना है तो पहली बात तो आप थ्री को बाहर ले जाइए और इसको कर दीजिए एट के पावर एक्स को तो ये क्या होगा थ्री इंटू एट के पावर एक्स लॉग एट बेसी दिस पास समझे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आए मतलब म, इसका मतलब क्या है किसी Constant पे कोई वेरिएबल आए तो उसको ऐसे करना है और और ये सारी चीजें अभी चैन रूल में में जब कराऊंगा तो तुम्हें बहुत अच्छे से 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 समझ में आएगा उसके उसके बाद से, उसके बाद से, सबसे क्या बोलोगे लॉग एक्स का होता है x. Simply, क्या होता है बच्चा x. जैसे पे बोला है लॉग x बेस 10 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तो 1 x होगा सिंपल क्या होगा बच्चों बॉडी 1 x कितना होगा log x का डिफरेंशिएशन जो होगा 1 x होगा आर यू वेटिंग में पॉइंट गाइस आर यू वेटिंग में पॉइंट गाइस आर यू वेटिंग में पॉइंट ठीक है चलो ले लूंगा कल ही ले लूंगा अब तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हमें करना है पहला क्वेश्चन करो फिर उसके बाद में नेक्स्ट uh, क्लास में कंटिन्यू करूंगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तुमने क्या क्या सीखा किसी भी फंक्शन को कैसे भीट करना है अगर दो फंक्शंस का गुणा भाग जोड़ घटाना हो रहा होगा तो हम उसको कैसे फंक्शन करेंगे टिक्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और एक मिक्स सवाल अपन लोग करने जा रहे हैं ठीक है एक मिक्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं तुम को डाउट तो नहीं हो रहा है सब क्लियर क्लियर समझ में तो आ रहा है बच्चा बाड़ी। चलो अब एक हम मिक्स uh, क्वेश्चन करने वाले हैं तो डी डी एक्स फंक्शन क्या होगा तो कुछ नहीं थ्री साइन अब मैं क्या करूंगा सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दूंगा प्लस डी ऑफ डी एक्स फोर ई के पावर एक्स प्लस डी ऑफ डी एक्स एक्स डिफ्रेंशिएशन करो ये हो जाएगा तीन बाहर हो गया साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स प्लस फोर ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन वही सेम हो जाएगा फोर बाहर हो जाएगा और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है और कॉन्टेक्ट का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स तो आंसर होगा थ्री कॉस एक्स प्लस फोर ई के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स दिस द आंसर

फटाफट स्क्रीन शॉट ले लो या नोट कर लो दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम टू दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम तीन दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम चार दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम पाँच दिस इज छः पाँच बस पाँच है तो इन पाँचों सवाल को पाँच चार तीन दो एक बाकी तुम लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो ठीक है इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना ये स्लाइड मैं पिछली स्लाइड भी नहीं डाला था इन दोनों स्लाइड को एक साथ ही मैं तुम्हारे ऐप पर डाल देता हूँ आई थिंक और कोई डाउट नहीं होगा ठीक है ओके okay, बढ़िया कोई डाउट हो तो पूछ लो किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड राइज कर ले भाई दिस इज थ्री जब मैं लॉग थोड़ा सा पढ़ाऊंगा ना थोड़ा सा ही नहीं में हमारे काम हो जाए तो यू विल नो दिस तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो हैंडराइज करो अदरवाइज फिर अब बाकी का कल पढ़ेंगे किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी को कुछ पूछना है बच्चा पार्टी आरिफा साहिल अब्रार, एहसान आज कल्लू त्यागी नहीं आए क्या ओके ठीक है गाइस हाँ बोलो साहिल मिस्टर साहिल बताइए yes, बोलो बोलो इसके बाद मतलब अवकलन हम पढ़ रहे हैं ठीक है और डिफ्रेंशियेबिलिटी कंटिन्यूटी ये तुम कह रहे हो ना हम पढ़ेंगे मैक्सिमा, मिनिमा पढ़ेंगे डिफ डिफरेंशियल सॉरी एओडी पढ़ेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे हम सिर्फ उतना ही पार्ट पढ़ेंगे जितने की हमें रिक्वायर्ड, रिक्वायर require, मतलब रिक्वायरमेंट है हमें ऐसे डिफरेंशियबिलिटी की कंटिन्यूटी की मतलब सततता

तो ठीक है गाइस तो चलो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम नौ बजे का क्लास था एक्चुअली ललित भाई देर तक लिए तो मैंने सोचा चलो थोड़ा तुम्हें टाइम दे दिया जाए बट थोड़ा ज़्यादा ही टाइम दे दिया तुम लोग को ओके अच्छा फिजिकल केमिस्ट्री वाले कैसा पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं वो साहिल अहमद आरिफा एशान अंसारी हाउ ही इज टीचिंग बढ़िया पढ़ा रहे हैं यह सब बताओ अरे यार एक साथ कितना करोगे वन बाई वन ही वन बाई वन ही होगी वैसे इन ऑर्गेनिक तो ये तो ललित सर ही पढ़ाएंगे इन्होंने बोला तो था कि दो क्लास लूंगा ले नहीं रहे क्या दो क्लास कोई बात नहीं अभी मैं बोल दूंगा इना अभी तो तीन क्लासेस तुम्हारी कंटिन्यूसली चलेंगी वैसे चलनी तो चार चाहिए मैंने ललित भाई से बात भी किया था मैंने उससे बोला था कि तुम दो क्लासेस लगाओ बच्चों की ताकि बच्चों का जो छूटा है आप कवर करते हैं जिसको आना होगा आता रहेगा ठीक है मैं दो क्लासे लगवाता हूँ वै, वैसे तुम्हारा सिलेबस टाइमली हो जाएगा ठीक है दो महीने में फिजिकल कम्पलीट हो जाएगा टेंशन मत लो ओके okay, अब ओके okay. और किसी को कोई डाउट तो नहीं है ठीक है ओके गाइस तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जो लोग अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किया फटाफट तुम ज्वाइन कर सकते हो और अगर अपना अगर लास्ट तक तुम आए थे तो अपना नाम लिख के जरूर जाना